अब कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये मेथड ऑप्शनल है, आप मत करें इसको, सिर्फ सुन लें, इसके बाद चाहे इसके ऊपर क्रॉस कर दें चलेगा। अब क्यों सुनना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इमेजिन करो आपके पास दो चार्जेस, एक चार्ज है ये बैठा एक चार्ज, और मेरे को इसके पास एक और चार्ज को लेके आना है, ये भी पॉजिटिव है और जिस चार्ज को लेके आना है वो भी पॉजिटिव है, अपने आप तो आएगा नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा दोनों चार्जेस को पास लाने के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? और उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या है, वो वर्क डन जब आप एक चार्ज के सामने दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा चलो उल्टा सही, दो चार्जेस पास पास बैठे हुए थे, एक तो फिक्स है, दूसरा दूसरे को मैं लेके आया हूं, मेरे हाथ से छूट गया, अब वो वापस दूर भाग जाएगा। अब भी जब वो दूर भागा अब भी उस पर वर्क डन हुआ, दूर भगाने का वर्क डन, पर वो मैंने नहीं किया, वो किसने किया, वो उस चार्ज ने कर दिया। तो यानी कि मैंने उस दो चार्ज को पास लाने के लिए मान लो 10 जूल का वर्क डन किया, इन्फिनिटी से पकड़ के लाया और एक चार्ज को यहां रख दिया, तो मान लो 10 जूल का वर्क डन किया, फिर मेरे हाथ से वो छूट गया, वापस इन्फिनिटी पे भाग गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन वापस कितना हुआ, 10 जूल का। लेकिन ये वर्क डन मैंने नहीं किया, ये वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने किया, क्योंकि वहां पर फील्ड प्रेजेंट था। फील्ड कैसे प्रेजेंट था, फील्ड ऐसे प्रेजेंट था, देखो ये क्यू चार्ज पड़ा हुआ था जो कि हर तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मेरा ये एक चार्ज क्यू डैश यहाँ से छूट जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बाहर की तरफ धक्का मार देगा बाय अप्लाइंग अ फोर्स क्यू ही, और वर्क डन करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, मैंने वर्क डन किया था 10 जूल पास लाने में और इलेक्ट्रोस्टैटिक ने भगाने में वर्क डन कर दिया 10 जूल, उसको ऑब्जेक्टिव बुक्स में क्या लिखा जाता है, -10 जूल। अब यहां प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, यहां पर दो लोग काम कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूं चार्ज को पास लाने में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है चार्ज को दूर भगाने में, ऐसा ही हो रहा है, दो ही लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करूंगा तभी तो मेरा वर्क डन है ना, अगर अगर छोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर देगा। तो जो मैं काम करता हूं उसको फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है एक्सटर्नल वर्क डन, तो मेरा नाम है एक्सटर्नल यहां पे, तो मैं एक्सटर्नल वर्क डन करता हूं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करता है उसको डिफाइन किया जाता है बाय WEL, EL का मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक स्टूडेंट आया वो कहता जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, मैंने कहा क्या आया, कहता जी उसने लिखा हुआ था कि वर्क डन की वैल्यू 10 जूल है और मान लो दो चार्जेस को पास लेके आए, उसका वर्क डन 10 जूल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने कहा फिर ये 10 जूल क्या था, वो कहता जी पास लाने का वर्क डन था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन क्या है, -10 जूल है, तो आपने ऑब्जेक्टिव में -10 पुट कर देना है, सही है। अब उससे भी बड़ा क्वेश्चन, वो कहता जी थोड़ी देर पहले आपने एक रिवाइज करवाया था, डेफिनेशन बनाई थी पोटेंशियल एनर्जी की, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, भाई वो कौन सा वर्क डन था, एक्सटर्नल था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, वो एक्सटर्नल का था क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव ला रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो वर्क डन हम यूज करते हैं वो एक्सटर्नल होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में जो हम वर्क डन यूज करते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है कि एक्सटर्नल का होता है। एक्सटर्नल का होता है, एक्सटर्नल कौन है, मैं हूं भाई, मेरे को देखो एक्सटर्नल मैं हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी को देखो अपने आप ऑटोमेटिक काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक तो काम नहीं हुआ ना, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया कि अमाउंट ऑफ उस चार्ज के सामने चार्ज को मैं पकड़ के लाऊंगा, तो किसने वर्क डन किया था, मैंने किया था। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी डिफाइन करना है तो ये डेफिनेशन है, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड नॉट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। और रूल नंबर टू, एक्सटर्नल का इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो होता है सेम, लेकिन साइन का फर्क होता है माइनस।
तो अगर मैंने वर्क डन किया 10 जूल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने कितना करना है माइनस 10 जूल, सही है। तो आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें कि पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन इन एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब होगा क्या, वो आपको न्यूमेरिकल देगा ऑब्जेक्टिव, वो कहेगा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन किया था 10 जूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन किया था 10 जूल, बोलो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ना माइनस 10, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क डन किया 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन नहीं है, किसका वर्क डन है एक्सटर्नल का, तो आंसर क्या लगाना पड़ेगा माइनस। समझ में आ रहा है यहां तक? तो आधे लोग जब ऑब्जेक्टिव करते हैं जिनको ये बात ही नहीं पता, जाके जिससे मर्जी पूछ लेना एक्सटर्नल और वर्क डन, तो वो लोग तो सोचते हैं कि बस ठीक है यार वर्क डन तो वर्क डन है, ये क्या होता है, तो एक ही बात होती है, 10 या माइनस में क्या फर्क है, फर्क तो है ही है आपके सामने, मेजर फर्क है। अब वो अलग बात है, डालने वाला 99% क्वेश्चन एक्सटर्नल का वर्क डन ही देता है, वो देता ही नहीं है। बट अगर कोई टीचर ऐसा मिल जाए पेपर बनाने वाला जो इस पे खेल जाएगा ऑब्जेक्टिव पे कि मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूंगा, और बच्चा सोच के आए कि वो पोटेंशियल जी कैसे निकालेगा, तो उसको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा माइनस। समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ठीक है। फॉर्मूलाज वही है एनर्जी के जो हम करते आए हैं, वो कोई चक्कर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ पकड़ में आ रहा है, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जैसे इसमें ये मेथड टू क्यों है, ये क्यों लिखा गया, आपने करना नहीं है, प्लीज ये करना नहीं है, सिर्फ एक लाइन में खत्म कर रहा हूं मैं इसे। हमने पोटेंशियल एनर्जी की जब डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम या आज भी बताया, उसमें कैसे की थी, मैंने Q1 चार्ज रखा, मैं Q2 चार्ज को पास लेके आ रहा था, और मैंने वर्क डन निकाला बाय इंटीग्रेशन, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, 1/4πε0Q1Q2R आया, कोई डाउट? तो मैं अपनी डेरिवेशन में वर्क डन किसका निकाल रहा था, एक्सटर्नल, तो जो भी आंसर आया था वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी, बात खत्म हो गई, मैंने चक्कर डालना ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब कई ऑथर ऐसे हैं जो एच सी वर्मा की बुक है वो अपनी थ्योरी यहां से लिखती है, वो कहते हैं देखो ये दो चार्जेस हैं, इस चार्ज को मैंने रिलीज कर दिया, चार्ज दूर भाग गया, तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो बुक क्या करती है, अपना वर्क डन बाय इंटीग्रेशन निकालती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन ये आ जाता है उसका, पर फिर वो एंड में लिखती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन एक्सटर्नल वर्क डन है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो डेरिवेशन आपने किसकी कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो साइन नेगेटिव लगाओ, जो ऊपर आंसर आया उसके आगे नेगेटिव साइन लगाओ तो सही आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। पर मेरा ये मानना है मैं ऐसा क्यों करवाऊं, मैं सीधा वर्क डन में एक्सटर्नल ना करवा दूं, मतलब पहले मैं उल्टा करवाऊं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैं कहूं नहीं नहीं पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन में एक्सटर्नल होती है, माइनस साइन लगाओ, छोड़ो सारी बातें, हम सीधा वर्क डन बाय क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल, एक लाइन में बात ही खत्म कर दी, और हमने वही किया है। समझ में आ रहा है कि वो किताब कैसे चल रही है? तो यहां से ये ऐसा कुछ आंसर आता है, आपने नहीं करना, आपने एक ही डेरिवेशन करनी है, आपने कर ली शुरू में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कई बुक उल्टा भी चलती हैं, ताकि वो क्लियरली कॉन्सेप्ट को बता सके स्टूडेंट को कि भाई देख दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल से वर्क डन में काम करते हैं तो आपको फर्क कभी नजर आएगा ही नहीं, लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से करते हैं तो आपको फर्क बहुत क्लियर नजर आएगा, क्योंकि आपको फिर एंड में माइनस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसी थोड़ी ना नाम है बुक का, कुछ तो है ही है, तो देखो ना कहां से स्टार्ट की थ्योरी, ऐसे स्टार्ट है थ्योरी, पर चलो कोई बात नहीं, सही हो गया। आगे अब मुद्दे की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन आएगा आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, आपने क्या किया इनको पास लेके आए और इनमें फाइनल सेपरेशन कितनी हो गई 1, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, देखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी हेल्प नहीं करेगा, वर्क डन आपको करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को आप जबरदस्ती पास लेके आ रहे हो, तो कितना करना पड़ा, या फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है, तो पहले आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें इन दोनों की, 1/4πε0Q1Q2R, फिर आप फाइनल एनर्जी निकाल लें 1/4πε0
Q1 Q2 by R. देखो इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई, फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें. आपके पास अगर पेपर में पूछा है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, माइनस करके आंसर. फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो भी माइनस करके आंसर. तो आपको कोई थ्योरीज नहीं आएंगी इसमें, सिर्फ समझाने के लिए बताया है. आपको ऐसा न्यूमेरिकल आएगा. समझ में आ रहा है ऐसा न्यूमेरिकल कैसे करना है? तो जो भी इनिशियल स्टेट गिवन है, जो भी फाइनल स्टेट गिवन है, दोनों की एनर्जीज को माइनस करके अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक. अब पोटेंशियल डिफरेंस की सेकेंड डेफिनेशन की प्लीज मुझे नहीं करना, ये वही कुछ करेगा. पहले एक्सटर्नल करेगा, फिर कुछ नहीं करना. हमने ऑलरेडी कर लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं.